Tini goes for a picnic. Okay. So start reading, Akshita. Start reading. Pink legs are great fun, but clothing tiring, stop to have a pinch is important. Listen, everyone. Picnics are great for, but choosing the right spot to have a picnic is important. Now, how many have you gone to picnic? कितने लोग picnic गए हो? बाहर घूमने छुट्टियों पे कितने लोग गए? अच्छा रचित क्या रचित कहाँ गए थे आप? Where you have gone बेटा? Ramban. Very good. Ramban, you have gone now? Yes, you have gone Ramban. And who have gone Ramban? Akshita, you also have gone now? So, this the trip we plan to go outside and enjoy is called picnic. जहाँ हम बाहर जाते हैं और enjoy करते हैं, मस्ती करते हैं, उसे picnic कहते हैं. पिकनिक जाने के लिए हमें एक राइट जहाँ हमें अच्छा लगे वहाँ हमको जाना चाहिए. ओके, दैट आर कॉल्ड पिकनिक्स व्हिच वी गो विद आवर फ्रेंड्स और फैमिली और द वन वी लव टू गो एंड एंजॉय विद देम. व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट पिकनिक स्पॉट? नाउ यू विल राइट द पिकनिक स्पॉट, परफेक्ट पिकनिक स्पॉट वेयर यू हैव गॉन. जस्ट बगल में आप लिखोगे कि आप कौन से पिकनिक स्पॉट गए थे. ठीक है, खुद से करोगे आप लोग. ओके, कम टू द पैराग्राफ नाउ. पिंकी वाज डॉजिंग ऑफ ऑन द सोफा. हर समर हॉलीडेज वेयर अबाउट टू एंड. शी डिड नॉट वांट अंदर बोरिंग वीकेंड. नाउ देयर इज अ चाइल्ड नेम्ड पिंकी. पिंकी नाम की लड़की है जो सोफे में बैठ के सोच रही है कि मेरे समर वेकेशन खत्म होने वाले हैं. आप लोगों के भी समर वेकेशन खत्म हो गए ना, उसके बाद आप स्कूल अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो, तो वैसे ही सेम उसके भी समर वेकेशन खत्म होने वाले थे. ठीक है, और अब उसको कोई बोरिंग वीकेंड नहीं चाहिए था. मीन्स जो वीकेंड मतलब जो संडे सैटरडे हमारा होता है ना, उसे हम वीकेंड कहते हैं. मंडे टू फ्राइडे वी वर्क, we all work, we go for the school, we do our homeworks, we do all our work. But Saturday, Sunday are the free days. They are called weekend days. Sunday and Saturday are called the weekend days. Which days are called weekend days? Sunday, Saturday. And Saturday. Very good, Rachit. Which days are called weekend days? Saturday and Sunday. Very good, Rachit. Okay, Navya? We will continue now. Pinky's dad. Now Pinky's dad is telling, let's go for a picnic on Sunday. Pinky woke up with the start. She would be going for a picnic at last. Okay. Now Pinky ki jo dad the, jo father the, unhone kya kaha ki chalo picnic chalte hain Sunday hum log.
है ना, तो पिकनिक जाने के सुन के पिंकी खुश हुई एंड वो सोफा से उठ के आई और सोचने लगी कि कहाँ पिकनिक जा सकते हैं हम लोग. ठीक है, शी वुड बी गोइंग फॉर द पिकनिक एट द लास्ट, मतलब वीकेंड खत्म हो रहा है अब वो पिकनिक जाएगी. नाउ पिंकी, नाउ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पिंकीज मॉम. पैक अप द बास्केट, प्रिपेयर द फूड, पुट असाइड द गेम्स टू प्ले, बट फर्स्ट लेट्स पिक आउट द परफेक्ट पिकनिक प्लेस. नाउ पिंकीज मॉम ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक बास्केट लेते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारा खाना भरते हैं एंड देन कुछ गेम्स प्लान कर लेते हैं, पर उससे पहले एक परफेक्ट स्पॉट चाहिए हमें पिकनिक के लिए. हम इधर उधर कहीं भी तो जा नहीं सकते, है ना, एक परफेक्ट स्पॉट हमें चाहिए पिकनिक के लिए, तो पहले वो डिसाइड कर. This much is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, Ayushman. Rachit, start reading, beta. Yahan se padho. Pinkies. Pinkies. Brother. Brother. Okay. Go to the zoo. We all. All. See and any mal or two Joseph with chips and chocolate to eat it will be a nice treat. वेरी गुड. ओके, नाउ पिंकीज ब्रदर जो था, पिंकी का जो भाई था, उसने क्या किया, उसने कहा कि लेट्स गो टू जू. कहाँ जाते हैं, जू. सो व्हाट इज जू, एनीबॉडी नो व्हाट इज जू? जू क्या होता है? एनिमल जहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं एनिमल, एनिमल जहाँ रहते हैं. अच्छा, जहाँ एनिमल्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जू कहते हैं ना. जहाँ हम एनिमल्स को रखते हैं, देखने जाते हैं. आप गए हो जू कभी? गए हो आप कोई जू? नहीं गए हो? सारे एनिमल्स एनिमल्स हम बाहर, मतलब जो डेंजरस होते हैं लाइक टाइगर लायन, वो सब जू में रखते हैं हम लोग. स्नेक्स, जो भी डेंजरस एनिमल्स रहते हैं और जो अच्छे वाले एनिमल्स भी रहते हैं जो हमें हार्म नहीं करते, वो भी हम जू में देख सकते हैं, है ना. तो जू इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स बर्ड्स आर कैप्ट. क्लियर? यहाँ पे रखो फिंगर जहाँ पे खत्म किया. अक्षिता, जू क्या होता है अभी बताया ना मैंने, क्या होता है? जहाँ पे सारे एनिमल्स रहते हैं. वेरी गुड. ओके अंशिका, जू क्या होता है? व्हाट इज जू? जहाँ पे जानवर रहते हैं. वेरी गुड. ओके, सो जू इज अ प्लेस. लक्ष्मी? यस मैम. व्हाट इज जू? जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. आयुष्मान? व्हाट इज जू? जानवर रहते, जहाँ एनिमल्स रहते. द प्लेस इज वेयर द एनिमल्स आर केप्ट इज नोन एज जू. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके, तो पिंकी का जो ब्रदर है उसने क्या कहा कि हम लोग जू जाते हैं, फॉर द पिकनिक वी विल गो टू जू. विल सी एन एनिमल और टू, देयर वी विल सी द एनिमल एंड विल एंजॉय देयर with chips and chocolates to eat, and we'll eat chips and chocolate and we'll go by one and we'll see our animals. सारे जो animals थे वो हम वहाँ देखेंगे. It will be a nice retreat. ठीक है, it will be a nice retreat. Retreat का मतलब क्या होता है? A place, quiet place where anyone can rest. तो अपन picnic क्यों जाते हैं? Enjoy करने, tension free होने, है ना. तो जब zoo जाते हैं वहाँ हम tension free हो जाएंगे and it will be a nice place to rest. Clear to everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. But Pinky, Pinky kya bol rahi hai?
पिंकी क्या बोलती है देखो, बट देयर इज नथिंग न्यू टू सी एट द जू, पर जू में कुछ नया नहीं दिखाते, वही एनिमल्स रहते हैं रिपीटेडली, वही देखे जाते हैं, तो वहां उतना मजा नहीं आएगा. ओके नाउ लक्ष्मी स्टार्ट रीडिंग. लक्ष्मी Let's go. It will be so beautiful. Okay. Relax. Under a tree. Shade. And drink. Lemonade. Okay, chalo. Now Pinky's dad क्या बोल रहे हैं, let's go on a nature trail. Nature trail मतलब जब हम कोई village area से cross करते हैं तो हमें दोनों side जंगल रहते हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ रहते हैं, है ना, तो उस चीज को हम लोग नेचर ट्रेल कहते हैं. जो विलेज से हम लोग जो एरिया पास करते हैं जहाँ बहुत ग्रीनरी रहती है उसको नेचर ट्रेल कहते हैं. क्यों कहते हैं नेचर ट्रेल, क्योंकि उधर हमें बहुत सारे पेड़, बहुत सारे नए नए तरह के पेड़ फूल देखने को मिलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचर ट्रेल. एंड नेचर इज ऑल अबाउट द प्लांट्स, यू ऑल नो ना, नेचर इज ऑल अबाउट द प्लांट. जहाँ जितने प्लांट्स हैं वही नेचर है. बहुत आप लोगों को विलेजेस में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को न्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स भी देखने को मिलती है जो आप इधर नहीं देख पाते अपने सिटी में, है ना. सो आपने क्या कहा कि लेट्स गो ऑन अ नेचर ट्रेल, इट विल बी सो ब्यूटीफुल, विल बी सो ओके, बहुत मजा आएगा, बहुत सुंदर दिखेगा. वी विल रिलैक्स अंडर आवर ट्रीज शेड, हम लोग ट्री के शेड के नीचे रिलैक्स करेंगे, हम लोग किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और वहीं पे रिलैक्स करेंगे. और ड्रिंक लेमोनेड, मतलब कौन सा ड्रिंक होता है, लेमन वाला ड्रिंक आप लोगों ने पिया होगा ना, लेमन पानी. यस मैम. पिया हो सब लोग की नहीं, लेमन पानी किसने पिया है, लेमन कभी पिया है ना, लेमन का जूस पिया है. यस मैम. यस मैम. यस रचित, अक्षिता पिया लेमन का जूस. नो मैम. ओके सो इट इज अ ड्रिंक मेड अप ऑफ लेमन. ठीक है, लेमनेड इज अ ड्रिंक मेड अप ऑफ लेमन. सो इन दिस पेज व्हाट वी हैव कम टू नो, हियर वन लिटिल गर्ल इज देयर पिंकी हुज हॉलीडेज आर गोइंग टू बी ओवर एंड नाउ शी वांट्स टू गो celebrate, mother wants to enjoy her weekend, so all are planning to go to the picnic and everyone, the family members of the house are giving the choices where to go to the picnic. Jo Pinky ka brother hai usne kaha hai ki use zoo jana hai. Jo Pinky ke father hai unhone kya kaha ki hum log nature trail pe jaye. Now let's see what another family members are saying. Okay, come to the next page. Next page. And next page. Put your finger here. Yes. Start reading. Pinky, yes, it will be beautiful, but boring too. हम लोग बोर हो जाएंगे, है ना, हमें चलना तो चाहिए बट हम बोर हो जाएंगे. इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट वी विल गेट देयर बोर. ओके सो आयुष्मान स्टार्ट रीडिंग बेटा.
Okay, stop. आयुष्मान stop. Pinky's grandmother. Now Pinky's जो दादी है, Pinky की जो दादी है, उन्होंने क्या बोला कि let's go to the lake. कहाँ जाते हैं? Picnic का spot उन्होंने बताया कि let's go to the lake. वहाँ enjoy करेंगे. In the pool will be a nice break. हम pool water में जाके dip लेंगे और it will be a nice break. मजा आएगा वहाँ जाके आराम से हम enjoy कर सकते हैं. But Pinky had a better idea. Pinky के पास एक better idea था picnic spot जाने का. Okay? Now everybody will tell me, Pinky का जो brother था, उसने कौन सा picnic spot बोला था जाने के लिए? Zoo. Very good. And Pinky के जो father थे, उन्होंने क्या बोला था कहाँ जाना चाहिए? Nature. Rain. Okay. Now बताओ पिंकी की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने कहा बोला जाने के लिए लेक लेक ओके इज इट क्लियर टू एवरीवन रचित यस मैम पिंकी की जो फादर थे उन्होंने कहा बोला था घूमने जाने के लिए पिकनिक के लिए नेचर ट्रायल्स वेरी गुड ओके सो दीज वेयर थ्री पिकनिक स्पॉट्स है ना जहां जाने के लिए बोला गया था Okay, so today we'll do up to this much only, and you have to do what as your homework. Listen, आप लोग क्या करोगे? आप लोग जहाँ भी पिकनिक पे गए हो, अगर नहीं भी गए हो तो जहाँ जाने का मन हो, suppose आपको zoo जाना हो, या फिर आपको कहीं terrace पे ही जाना हो, या आपको कहीं बर्फीली जगह पे जाना हो, या फिर कहीं भी जाना हो, उसका जो इमेज है वो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे हेडिंग डालोगे सबसे पहले डेट डालोगे एंड डे डालोगे एंड चैप्टर का नेम लिखोगे एंड आप वो ड्राइंग बनाओगे ठीक है जहां भी आपको पिकनिक पे जाना है उसका ड्राइंग फिर आप बनाओगे जहां भी जाना हो जैसे रचित आपको कहाँ जाना है घूमने बीच क्लास ओके Just do your homework, draw the picture, whatever you want, wherever you have to go for the picnic. Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, thank you, class. Have a wonderful day. Thank you. Bye, ma'am. Bye, everyone. Bye. Good day, ma'am. Thank you, beta. Good day. Good day, ma'am. Good day, everyone.